Don't forget to like, share and subscribe my channel. वेलकम बैक स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद बायोलॉजी। तो बायोलॉजी होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजिया मीन्स स्टडी ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। किसी भी जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। आगे लिखा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव जंतु के बारे में पढ़ाई करना, वेदर इट बी प्लांट्स एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। लाइफ, लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे। लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम डेड और नॉन लिविंग इन सम फंक्शंस। लाइफ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है और जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करवाती है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिसमें लाइफ है, जो जिंदा है, जिसके पास जिंदगी है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। सबसे पहला है ग्रोथ, और ग्रोथ बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। ग्रोथ कैसे होता है, बाई इंक्रीज इन मास एंड बाई इंक्रीज इन नंबर। मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रॉपर्टीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो चलिए इसे डिटेल्स। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स के। पहला है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, और चौथा होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, तो इसे कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होता है जो कि सारे लिविंग थिंग्स पोजेस करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो चलिए अब ग्रोथ को देख लेते हैं। ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कोई भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि ग्रो करता है। कोई भी बच्चा जब जन्मता है अप टू एडल्टहुड, उसमें इंक्रीज होता है हाइट का, तो वो भी एक तरह से ग्रोथ है। दे इंक्रीज इन मास एंड नंबर। अब ग्रोथ जो होता है वो दो तरीके से होता है, या फिर मास में इंक्रीज होना, ठीक है, मास होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, अगर उसमें इंक्रीज होता है, या फिर किसी भी चीज का नंबर, सेल्स डिवाइड करता है, सेल एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, दो सेल डिवाइड करके चार सेल बनाता है, तो इंक्रीज इन नंबर ये भी होता है। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला होता है बाय इंक्रीज इन मास एंड दूसरा होता है बाय इंक्रीज इन नंबर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ होती है वो एक्यूमुलेशन के कारण होती है। आगे लिखा है ग्रोथ इन अ लिविंग बींग टेक प्लेस ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस दैट इज सेल डिविजन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के कारण होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं, मतलब इंक्रीज इन नंबर के कारण होता है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास कहिए या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल के कारण होता है। फिर है प्लांट्स शो कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन व्हाइल एनिमल्स शो ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज। देखिए स्टूडेंट, प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो एंटायर लाइफ स्पैन, जब तक प्लांट जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रोथ होते ही रहता है, क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिवीजन के कारण होता है, तो वो होते ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन एनिमल्स में एक एज आने के बाद जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद जो है वो एनिमल्स ग्रो नहीं करते हैं फर्दर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ग्रोथ का। दूसरा चीज होता है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग या बच्चे, जो एम्ब्रॉयो बनने का प्रोसेस होता है, इसको ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर कंटिन्यूइंग द लीनिएज ऑफ अ स्पीसीज। अब पॉपुलेशन को या फिर स्पीसीज को बढ़ाते ही रहना है ताकि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसके रेस को बढ़ाते ही रहना है। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, लेकिन किसी को जिंदा रहने के लिए ये वाइटल प्रोसेस नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मेल एंड फीमेल होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रॉयो बनता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट में ही बडिंग होता है या फिर बाइनरी फ्यूजन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, तो कुछ एग्जाम्पल्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें पहला, जैसे फंजाई में मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है और यही इसका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है ईस्ट एंड हाइड्रा में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। एक पेरेंट सेल में एक छोटा सा बर्ड डेवलप हो जाता है, देन अ सीरीज ऑफ बर्ड का डेवलपमेंट होता है जो कि पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक सिंगल इंडिविजुअल बनाता है। प्लेनेरिया जिसे फ्लैटवर्म्स कहते हैं, इसमें रीजनरेशन के थ्रू होता है, जिसमें अगर बॉडी पार्ट जितने पीसेस में ब्रेक होते हैं उतने ही पार्ट जो है एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर एल्गे और एमीबा। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, वेदर इट बी बैक्टीरिया या फिर एल्गे या फिर अमीबा, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है और ग्रोथ होता है वो एक समान होता है। ग्रोथ में भी क्या होता है, भाई इंक्रीज इन नंबर होता है, और रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन में भी एक सेल दो में डिवाइड कर जाता है तो वो सेम होता है। स्टूडेंट ये नोट करने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होता है वो सिनोनिम होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेदर बी योर फ्रॉम मेडिकल एग्जाम्स या फिर आपके कोई भी एग्जाम्स दे रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ही होता है कि रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स में दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, दो डॉटर सेल चार में प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे भी और ग्रोथ में भी सेम यही चीज होता है कि एक सेल डिवाइड करता है दो में, इंक्रीज इन सेल नंबर, उसी को रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम होता है इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसलिए कहते हैं ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है या फिर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ बॉडी, इनसाइड अ सेल। सेल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में जितना भी एंजाइम के साथ कॉम्पोजिशन या फिर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं उसके सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज एंड फंक्शन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग केमिकल से बने हुए हैं, वो केमिकल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, और उन केमिकल्स का अलग अलग फंक्शन हो सकता है। सेफ और कोई डाइजेशन का काम कर सकता है, कोई एक्सक्रीशन का काम कर सकता है, वेरियस प्रोसेस हो सकता है। द केमिकल विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म रिएक्शन जो होता है वो बॉडी में कंटिन्यूसली होते ही रहता है। मतलब वो केमिकल्स जो हैं वो आपस में या फिर बाइंड करते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं और नए चीज में फॉर्म होते रहते हैं और दूसरा बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनाते हैं तो उसे बिल्डिंग अप प्रोसेस कहते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकिंग डाउन, मतलब एक मॉलिक्यूल टूट करके दो या चार जितने भी मॉलिक्यूल्स में टूटता है इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक उसको कहा जाता है जो कि बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। जैसे ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बट मेटाबॉलिज्म इज। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स होता है वो है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं वहाँ उसमें वो रिस्पॉन्स, इन द सेंस कि अगर आप पे कोई गर्म पानी डालेगा तो आप रिस्पॉन्स करोगे, आपको पेन होगा, आप अपने हाथ को हटा लोगे, अपने बॉडी को हटा लोगे, मूवमेंट शो करोगे।
तो हम लोग को जब भी वेदर चेंज होता है, जब भी ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, तो हम लोग उस इन्वायरमेंट जिसमें रहते हैं उसमें रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पर ठंडा पानी डाल दो, गर्म पानी डाल दो, उन लोगों को कोई फ़र्क, लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जिस पे रिस्पॉन्स करते लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है और बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। तो प्लांट्स किस किस चीज़ों पे रिस्पॉन्स करती है, जैसे लाइट उसको मिलता है तो वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करती है बाय इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एक्सेट्रा, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स, इन सब पे वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो ये एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज, जो भी इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं उस पर वो रिस्पॉन्स करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे वो सीजनल, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उस पर फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हम लोग की बॉडी में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी केमिकल एंटर करता है, तो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग की बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ह्यूमन बींग्स द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन बींग्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। जो कोई भी चीज़ अगर हो रहा है हम लोग में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो इससे पता चल जाता है अगर कोई भी चीज़ होने वाला होता है तो। नेक्स्ट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के, अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स के स्पीसीज देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मिल करके जो डाइवर्स फॉर्म है वो पूरे बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। नॉमनक्लेचर, किसी भी चीज़ का नामकरण करना या फिर नेमिंग करना, इसी को नॉमनक्लेचर कहा जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना, इसको कहते हैं नॉमनक्लेचर। देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। एज यू ऑल नो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। लोकल एरिया में हम लोग कुछ कुछ एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग, आप देखेंगे कि स्टेट बाय स्टेट अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि कोई एनिमल को आप जो अपने स्टेट में कोई लोकल नेम से बुलाएंगे, वो दूसरे जगह अलग लोकल नेम से बुलाए जाते हैं। या फिर कोई भी सब्जी का भी अलग अलग नाम होता है स्टेट वाइज। तो अलग अलग ये लोकल नेम्स होते हैं जो आदमी खुद उसके फीचर्स को देख करके रखते हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेजेस। तो अब अलग अलग एरिया में जाएंगे तो अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि इतने सारे नामों को याद कर पाएँ। Hence, there is a need for a uniform system of nomenclature of organism. और ये सही भी, आप कोई एरिया में जाएंगे, आप अपने एरिया में कोई एनिमल को लायंस बुला रहे हैं, दूसरे एरिया में सपोज उसको लायंस नहीं बुलाया जा रहा है, उसका नाम कुछ और है, तो आप अगर लायन की बात करेंगे तो वो कुछ और समझेंगे, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक प्रॉपर नेमिंग सिस्टम होना बहुत ही कंपलसरी है, ताकि आप दुनिया के कोई भी कोने में चल जाइए, अगर आप लायन बोल रहे हैं तो वो उसी मामल को समझें जिसको आप बोल रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म को एक क्लासीफाई करके ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एंड देन उसका नेमिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, मोर्फोलॉजी, व्हाटएवर। ठीक है, तो नॉमनक्लेचर इज़ द नेमिंग ऑफ एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग टैक्सॉन नेम टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं आइडेंटिफाई करके, उसके मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देख करके उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। नाउ दो फुल फॉर्म्स आप लोग याद रखिएगा जो कि मेडिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जहां प्लांट्स को नेमिंग किया जाता है वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और जहां एनिमल्स को नेमिंग किया जाता है ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बहुत ही आसान है, दोनों सिमिलर टाइप का है, इंटरनेशनल कोड ऑफ डैश नोमेनक्लेचर, एक में इन केस ऑफ प्लांट्स तो बोटानिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट्स बॉटनी से बोटानिकल एंड जूलॉजी से एनिमल से जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एज अ नोमेनक्लेचर बाइनोमियल वर्ड स्टैंड फॉर टू, जिसमें दो पार्ट्स होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज बाय गिविंग ईच अ नेम कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, जिसमें नेमिंग जो होता है वो दो कंपोनेंट में होता है। पहला जो होता है उसे जेनरिक नेम यानी जीनस कहा जाता है, और दूसरा जो होता है कंपोनेंट उसे स्पीसीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज कैरोलस लिनेनियस इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का आविष्कार किसने किया था? कैरोलस लिनेनियस साइंटिस्ट ने किया था, ये याद रखने वाली बात है। अब स्टूडेंट्स करते रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है नोमेनक्लेचर। अगर आप नेमिंग सिस्टम कर रहे हो तो आपको सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप नेमिंग प्रोसेस कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप मन में जो नाम आ रहा है वो रख दोगे, नहीं। तो पहला है, बायोलॉजिकल नेम्स आर यूजुअली रिटन इन लैटिन वर्ड एंड इन इटैलिक्स फॉन्ट। जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन वर्ड का ओरिजिन होता है, लेकिन उसको इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेन टू पार्ट, फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकेंड वर्ड इज स्पीसी और स्पेसिफिक एपिथेट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो होता है उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जीनस नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। तो जीनस नेम का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, याद रखने वाली बात है, लेकिन जो स्पीसीज का पहला लेटर होगा या कोई भी लेटर होगा वो सारे स्मॉल ही होंगे, वो कैपिटल्स में नहीं होंगे, लेकिन जीनस का बस पहला वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। बायोलॉजिकल नेम इज और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन एंड अंडरलाइंड व्हेन इट इज़ हैंड रिटन। जब आप उस नेम को हाथ से लिख रहे हो तो आप ओरिजिन तो जान रहे हो कि वो लैटिन वर्ड से डराइव्ड है, ऑरिजन उसका लैटिन वर्ड है, लेकिन आप उसको इटैलिक्स में, आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पे इटैलिक्स फॉन्ट आता है, उसमें आप उसमें आप क्लिक करते हैं तो आपके जो भी टेक्स्ट है वो हल्के टेढ़े टेढ़े दिखाई देते हैं, तो वही इटैलिक्स राइटिंग होता है। तो हम लोग को या फिर वैसे लिखना है और नहीं तो नॉर्मली जैसे आप लिखते हो उसको लिख दो और बस उसको अंडरलाइन कर दो, हैंड से अंडरलाइन कर दो, तो इसका मतलब हो गया कि वो इटैलिक्स में हो गया। इसके कुछ एग्जांपल हैं, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है ये। तो देखिए मैंगो में, मैंजीफेरा में एम जो है वो कैपिटल है एंड इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है। उसी तरीके से होमो सैपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, इसमें होमो का एच कैपिटल है एंड सैपियंस का एस स्मॉल है। इसी तरीके से राइस का हो जाएगा ऑयजा सटाइवा और वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। आई होप स्टूडेंट आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। सो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म।